भिंड पुलिस की साइबर सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। भिंड शहर हथियारों की तस्करी के आरोप में दो बदमाश पकड़े गए हैं। पुलिस ने हथियार तस्करी का सरगना दबोचा है। अवैध हथियारों की तस्करी का सरगना धर्मा उर्फ धर्म सिंह यादव, जो कि कट्टा को बाहर से लेकर आता था और जिन्हें भिंड शहर में सप्लाई कराता था, पुलिस ने धर्मा और उसके एक साथी को दबोच लिया है। पुलिस के मुताबिक धर्मा का असली नाम धर्म सिंह यादव, पुत्र भारत सिंह निवासी विरधन का पूरा है और करीब 10 साल पहले धर्मा की सरकारी नौकरी कलेक्ट्रेट में हुई थी, परंतु हथियार तस्करी के आरोप में भिंड पुलिस द्वारा पकड़े जाने की वजह से ही बर्खास्त हो गया। इसके बाद से ही वो पूरी तरह से हथियार तस्करी के धंधे में कूद पड़ा। पुलिस का कहना है कि धर्मा भिंड के अलावा मुरैना, ग्वालियर समेत अन्य जिलों में भी सप्लाई करता है। ये अवैध कट्टा को यूपी से लेकर आता है और उन्हें भिंड बेचता है। साइबर सेल प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत ने कहा है कि हाउसिंग कॉलोनी में ही गौरी सरोवर के किनारे अवैध कट्टों का सौदा होने की जानकारी मुखबिर ने दी थी और इस पर पुलिस ने घेराबंदी की और यहां से पुलिस ने ब्रिजमोहन सिंह और भदौरिया पुत्र को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कहा उन्होंने पकड़े गए आरोपी से 3 कट्टे 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। आरोपी यहां 4 से 5 हजार रुपए में इन कट्टों की सौदा करने के लिए जाया करते थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब पुलिस ने कट्टे को लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि इन कट्टों को बदमाश से धर्मा खरीदते थे और इसके बाद ही पुलिस ने जब धर्मा से ठिकाने का छापेमारी की तो 2 कट्टे जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। देहात पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़े हुए अवैध हथियार की तस्करी के आरोप में दोषी बनाया है। छत्तीसगढ़ पुलिस को पहली बार गांजे के गोदाम का वीडियो मिला है। बालोद पुलिस ने हाल ही में ओडिशा के गांजा लाकर ही छत्तीसगढ़ और देश के दूसरे राज्यों में सप्लाई करने वाले नेटवर्क को पकड़ लिया था। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल फोन की जांच में यह वीडियो सामने आया। बता दें आपको कि वीडियो में ओडिशा के छत्तीसगढ़ से लगे एक गांव में बना गांजे का गोदाम और तस्करों का अड्डा दिख रहा है और इसमें कुछ लोग भी दिख रहे हैं। ये जगह तंबू लगाकर गांजे के सैकड़ों पैकेट रखे गए हैं। पुलिस सूत्रों के माने तो वीडियो में नजर आ रहा गांजे का स्टॉक करोड़ों की कीमत का है। इस बात की पुष्टि होती रही है और गांजा ओडिशा के ही लाया जाता रहा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस इस वीडियो को अहम सबूत मानकर गांजा तस्करों के खिलाफ एक्शन के लिए ओडिशा पुलिस के संपर्क कर रही है और बताया यह भी जा रहा है कि वीडियो ओडिशा के ही मलकानी गिरी के पास का कदमगुड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की जांच अब भी जारी है। बीते कई साल से ओडिशा के से ही छत्तीसगढ़ गांजा लेकर आया जा रहा था। हमेशा यहां पकड़ के आने वाले ही तस्करों के पास से मिलने वाला गांजा भी उसी तरह पैक किया हुआ होता था और जहां से वीडियो भी नजर आ रहा है। 2 सप्ताह पहले ही प्रदेश के नए डीजीपी अशोक जुनेजा ने ओडिशा पुलिस के अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। उन्होंने साथ ही मिलकर गांजे के खिलाफ एक्शन लेने पर भी जोर दिया है। ओडिशा पुलिस ने भी सहमति जताई है, मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गांजे के इस गोदाम के बारे में ओडिशा पुलिस बिल्कुल अनजान है।